The next day. अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? आई होप बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक ठाक। वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो, अ न्यू व्लॉग। तो लास्ट टाइम मैंने आपके साथ शेयर किया था कि मैं लाइमलाइट गई थी और जो शॉपिंग मैंने की थी वो आपके साथ शेयरिंग कर रही हूँ। यहाँ मैंने ब्लैक ट्राउज़र लिया था और पर्पल कलर का एक ड्रेस लिया था। तो इंशाल्लाह इसकी स्टिचिंग के बाद ही आपके साथ शेयरिंग करूँगी, लेकिन ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत था क्योंकि इसकी शॉल की वजह से मुझे ये बहुत अच्छा लगा है। हाँ, मैं इन्फिनिक्स की ज़रा फीचर्स आपके साथ शेयर कर रही थी। एनी हाउ, ये हमारी नेक्स्ट डे की क्लिप था। ये मैं जा रही थी यूनिवर्सिटी रोड, और क्यों जा रही थी क्योंकि अपनी सिस्टर इन लॉ की तरफ जा रही। तो जो मेरे पुराने यूट्यूबर्स हैं उनको पता है कि अक्सर मेरा हैदराबाद का चक्कर लगता रहता है, और ये हम लोग सनरूफ में इंजॉय कर रहे थे वेदर को। वेदर काफ़ी क्लाउडी था और काफ़ी अच्छा था, मज़ा आ रहा था, लेकिन थोड़ी बहुत ठंड थी। तो ये आप आउटडोर की वीडियो देख सकते हैं। और ये नया चीफ खुला था रिंग रोड साइड पे, मैं फ़र्स्ट टाइम गई थी तो मैंने कहा चले आपके साथ भी थोड़ी बहुत शेयरिंग कर लूँ। बच्चों के लिए उन्होंने स्विंग्स वगैरह लगाए हुए थे, झूले वगैरह बहुत मज़े के थे। आपको पता है बच्चे तो अक्सर इंजॉय करते हैं। हमारा संडे ब्रंच टाइम भी आप कह सकते हैं, क्योंकि ना ये लंच के टाइम पे आता है और ना ही डिनर के टाइम पे। तो हल्का फुल्का हमने यहाँ पे इंजॉय किया और झूले वगैरह बच्चों को दिलाए। और यहाँ हमने स्पेशल दो पिज़्ज़े ऑर्डर किए थे और साथ में इनका क्लब सैंडविच, मुझे बहुत पसंद है। तो बस यहाँ हम लोग अपना अब स्नैक इंजॉय कर रहे थे। और ये ऑल ओवर अंदर की और आउटडोर की वीडियो है। जो पेशावर के रहने वाले होंगे उनको आइडिया होगा। और रात को हमारा डिनर बाहर था स्टेक हाउस में, क्योंकि मुझे एवर एंड एवर स्टेक बहुत पसंद है। तो एनी हाउ, यहाँ इन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री के लिए हमें एक चॉकलेट पेस्ट्री दी हुई थी। और आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा तो मुझे ज़रूर कमेंट करें, और हमेशा की तरह मुझे दुआ में याद रखें। मेरे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर देगा। अल्लाह हाफिज़।